हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहेड़ी के धोबीपुर इलाके में भीषण आग लगी। आग लगने की घटना के लिए भले ही तैयारी रही हो, लेकिन तेज हवा के झोंकों ने बहेड़ी के धोबीपुर इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इससे काफ़ी क्षति हुई है और प्रशासन की टीम जब तक पहुंची, कई इलाके आग की चपेट में आ चुका था। शराब का कारोबार करने के मामले में आए दिनों कोई न कोई व्यक्ति पकड़े जाते हैं, जेल भी होता है। इसके बावजूद भी शराब के कारोबारी इस धंधे से बाज नहीं आते, चाहे वह पुरुष वर्ग हो या फिर महिला प्रतिनिधि इस शराब कारोबार में संलिप्त हैं। ऐसे ही एक शराब कारोबार के आरोप में एक महिला कारोबारी को धर दबोचा गया और रविवार को उत्पाद हाजत में दरभंगा लाया गया। मिथिला राज्य आंदोलन प्रतिनिधि संगठन मिथिला राज्य निर्माण सेना द्वारा 24 अप्रैल को दरभंगा में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। शक्ति माँ के पास है और हम लोग शक्ति की पूजा मिथिला में करते हैं। कुछ लोग जो नकली चेहरा लगाकर हिंदू धर्म की बात करते हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर शक्ति की पूजा होती है, शक्त की पूजा होती है, वहां पर सप्तमी या किसी भी अच्छे कार्य पर बलि प्रदान होता है। इसलिए कृपया देश के अंदर चाहे द्वैत या अद्वैत की बात हो, चाहे भक्ति या शक्ति की बात हो, उसको मिलाकर हमारे धर्म को खराब कर लोगों के अंदर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से खराब मत कीजिए। जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, वह मिथिला की संस्कृति पूरे भारतवर्ष में है। और जब तक ये हमारे नौजवान लोग नहीं समझेंगे कि हमारा इतिहास क्या है और आगे किस चीज के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तब तक हम उसको पा नहीं पाएंगे। और उसको पाने के लिए आवश्यक है कि हम लोग सब मिलकर के इसके लिए लड़ाई लड़। हमारी मैथिली लिपि देवनागरी से पुरानी है, अभी भी मिथिला अक्षर में लिखे हुए संस्कृत के बहुत सारा शोध किया हुआ काम यहां पर रखा हुआ है जो सड़ रहा है, और वो आज का नहीं है, वो सातवीं आठवीं नवीं दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी का लिखा हुआ है। अनेकों बार उस विषय के ऊपर हमने किया, लेकिन हमें किसी का साथ मिला नहीं। और केवल दरभंगा नहीं, यह अगर आप उठाकर देखें तुरंत खत्म हुआ है मिथिला राज्य आंदोलन दशा और दिशा। अब हम द्वितीय सत्र की ओर बढ़ रहे हैं, मिथिला राज्य राष्ट्र का सांस्कृतिक एकीकरण, फिर तीसरा सत्र होगा मिथिला का आर्थिक विकास संभावनाएं और सत्य, और फिर चौथा और अंतिम सत्र होगा इस सेमिनार का, कोसी और कमला की बाढ़ समाधान हेतु निर्णायक सत्याग्रह। हर एक सत्र के लिए अलग अलग उससे संबंधित वक्ता यहाँ उपस्थित है, उनकी बात हम लोग सुन रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, लोगों में जोश है, सब मिथिला राज्य के लिए लगे हुए हैं। अभी सेमिनार है, आगे रणनीति तो स्पष्ट है, ये राजनीतिक एक आधार विकसित किया जा रहा है जिसके दम पर अगले वर्षों में 24-25 में राजनीतिक लड़ाई। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार, हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ, आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीड हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।
इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुंमुखी विकास के लिए जीडी गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े व मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलारी के पोरिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयन का सिटी हॉस्पिटल एमएल एकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। सेवा स्थायी एवं वेतनमान की मांग लेकर बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ जिला इकाई की ओर से धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया गया। हेलो, बरसों से ग्राम कचहरी के सचिव के पद पर काम कर रहे हैं और सरकार का जो भी काम आ रहा है उसको बारी बारी से बारीकी से हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को मानदेय के रूप में मात्र 6,000 रुपया दिया जाता है, जो अभी के दौर में 5,000-6,000 रुपया कोई मायने नहीं रखता है। एक परिवार के चलाने के लिए कम से कम 20,000-25,000 रुपया चाहिए और 6,000 रुपया में हम लोग से खटाया जाता है। जो सरकार का जो न्याय के साथ विकास का है, जिसको न्याय हम कर रहे हैं, उसके साथ ही अन्याय हो रहा है। स्थायीकरण और वेतनमान, जहाँ तक हम लोग आज पूरे बिहार से एकजुट होके अपने अपने जिला में अपने अपने धरना स्थान पर सरकार से मीडिया बंधुओं के द्वारा हम लोग अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम लोग जो वर्षों से 10-20 वर्षों से लगातार सरकार को इतनी बड़े कगार पे पहुंचा रहे हैं, इतना विकास का काम कर रहे हैं, इतने ऊपर ले जा रहे हैं, उसको हम लोग को भी परमानेंट करें। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल सीसो डी साई ग्राम में पुरस्कार वितरण सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सीसो पूर्वी एवं पश्चिमी के जनप्रतिनिधि को सम्मानित भी किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में शंभु कुमार साहू प्रमुख सदर, विशिष्ट अतिथि के रूप में बजरंग बलिदास मुखिया सीसो पूर्वी, अजय कुमार ठाकुर मुखिया सीसो पश्चिमी, राम बाबू दास सरपंच सीसो पूर्वी, अरमान साहब सरपंच सीसो पश्चिमी, उदय साहनी पंचायत समिति सदस्य सीसो पश्चिमी मौजूद थे। आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में तेरी जान सदा पहचान मेरी रही ना रहे। मेरी जमीन महबूब मेरी तीस नसल तेरा इश्क बह बदल पाए, जब हम अच्छे न मर तो दादा जी से लड्डू खाए। यही बच्चे आजकल के भविष्य हैं, आगे जाके डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। आप लोग का जो हम देखे हैं अस्तर, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे जो स्टेज पे आके बोलते हैं और वो अपना कुछ कविता सुनाते हैं या कोई, तो ये सब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हेजिटेशन खत्म होना बहुत ही जरूरी बात। ज्ञान से भर के, शिक्षा से भर के आज तक इस दुनिया में न कुछ है और न होगा। हमारे पास शिक्षा होगा तभी हम एक सरिता यानी निर्मल व्यवहारिक मानवता नैतिकता हम सीएम में प्रदान होगा। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल सीसो डी दरभंगा में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में क्लास में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड किए हैं उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। साथ ही पिछले सप्ताह खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल कूद प्रतियोगिता में जो क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उन्हें भी पुरस्कृत किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सदर प्रखंड
शंभु साल जी को बनाया गया है। विशिष्ट अतिथि के रूप में सीसो पूर्वी के बजरंगी दास जी हैं, पश्चिमी सीसो के अजय ठाकुर हैं, सरपंच महोदय पश्चिमी अरवान साहब हैं। इसके अलावा दोनों पंचायत पूर्वी सीसो और पश्चिमी सीसो के सरपंच पंचायत समिति गणमान्य एस कुमार जी मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं। श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 23 अप्रैल 2022 से दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक कथास्थल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पार्क मिथिला धाम लहरिया सराय दरभंगा। समय अपराह्न 3 बजे से संध्या 7 बजे तक। विशेष कार्यक्रम सीताराम दुल्हा दुल्हिन भव्य मंदिर निर्माण शुभारंभ। कथावाचक परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, मलुक पीठाधीश्वर वृंदावन धाम, आचार्य मुनिन्द्र मिश्र अध्यक्ष, राष्ट्रीय गीता प्रचार समिति एवं समस्त समिति परिवार। मोबाइल नंबर 9576882256। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एडमिशंस ओपन। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल के प्ले नर्सरी ग्रुप से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। अपने क्षेत्र का अनोखा आधुनिक तरीके से खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने वाला और उनका भविष्य बनाने वाला अल्फाबेट पब्लिक स्कूल, जहां हमारे क्वालिफाइड टीचरों के द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है कंप्लीट एजुकेशन, साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे प्लेइंग एक्टिविटीज, डांस एक्टिविटीज, स्मार्ट क्लासरूम्स। प्लेइंग एक्टिविटीज के द्वारा होता है आपके बच्चों का संपूर्ण विकास, यानी खेल पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल में और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं। एडमिशन इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9431050473 या 8292735845। हमारा वेबसाइट है www.alphabetschool.net। हमारा पता है जेपी चौक और मिलान चौक के बीच मस्जिद के पास, सेना पथ, दरभंगा। शक्तिधाम सेवा समिति द्वारा मनाए जा रहे वार्षिक महोत्सव के अंतिम दिन रानी सती दादी झुंझुनवाली का मंगल पाठ नृत्य नाटिका के साथ प्रख्यात पाठ वाचक नागपुर निवासी उज्जवल खाखोलिया द्वारा किया गया। पाठ में 500 से ज्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। नृत्य नाटिका का मंचन जो कि कोलकाता से पधारी मंडली के द्वारा किया गया, दादी की जीवनी का जीवंत मंचन किया गया। दादी जी के जन्म से लेकर सती होने तक एवं भगवान श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त करने तक के विभिन्न अवसरों को भक्तों के बीच मंचन किया गया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मिथिला धाम वासी की ओर से 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इस भागवत कथा के आयोजन कथावाचक के रूप में राजेंद्र दास जी महाराज देवाचार्य मौजूद हैं। श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही। Thank you.
भगवान बोले देखो यद्यपि मैं सत्य संकल्प हूँ लेकिन कृष्णावतार हमारा ऐसा अद्भुत अवतार है। स्वहाय मत प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवक्तुतो ततस्थः दशरथ चरणोऽध्यायाचलद्गुरुपरिनिवहन्पूर्वमगतोत्तरीयः। भगवान चक्र लेकर के भीष्म जी के ऊपर दौड़े, उस समय भगवान का गतोत्तरी है, भगवान का पीतांबर फहरा रहा, भगवान की स्लिंग से फहराता हुआ पीतांबर नीचे गिर गया, मानो पीतांबर कह रहा था प्रभो आप अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ रहे हैं सत्य स्वरूप होकर, तो हम भी अब आपको छोड़ रहे हैं, हम आपका साथ नहीं देंगे। सिंह से नीचे गिर गया। भगवान ने कहा तू रहे चाहे जाए पर मेरा अपने भक्तों से इतना प्यार है, इतना प्रेम है कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा भले ही छोड़नी पड़े पर भक्त की प्रतिज्ञा का त्याग मैं नहीं कर सकता, भक्त की प्रतिज्ञा को तो पूरी करूंगा। और उस समय भीष्म जी ने कहा बापी 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 बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद द्वारा राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी वृंदावन घाट सरफुद्दीन शिवाजी नगर दरभंगा की समिति का गठन किया गया, जिसमें पदेन अनुमंडल पदाधिकारी सदर अध्यक्ष होंगे, रामचरित्र महतो उपाध्यक्ष, दुर्गेश पटेल सचिव, अजय कुमार आनंद कोषाध्यक्ष, अरुण शर्मा सदस्य, उमेश महतो, अमित कुमार मंडल, कृष्ण कुमार सहनी, भोला सहनी, शंभु कारक और मोहन लाल केवट सभी ये सदस्यगण के रूप में मनोनीत हुए। मालूम रहे कि 18 कट्ठा 18 धूर जमीन में राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी वृंदावन घाट सरफुद्दीन शिवाजी नगर दरभंगा में स्थित है, जिसके लिए धार्मिक न्यास परिषद ने उक्त समिति का विधिवत गठन किया है। राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी वृंदावन घाट जो कि वर्षों से किसी व्यक्ति विशेष के अधीन वह संस्था चल रहा था, जिसमें कि बहुत ही घटनाक्रम के आधार पर जो है सो बहुत अनियमितता पाया गया, विभाग की ओर से धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से इसको जांच करने के बाद उसके बाद समाज को जो है इसको समाज के लोगों को इस समिति में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सचिव बनाया गया है। राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी वृंदावन घाट दरभंगा, इसमें धार्मिक न्यास बोर्ड के जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो सच को समझते हुए हम लोगों को मान्यता प्राप्त संस्था दिया गया, जिसमें कि हमारे अनुमंडल पदाधिकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, श्री रामचरित्र महतो को उपाध्यक्ष बनाया गया है, दुर्गेश पटेल को सचिव बनाया गया है, कोषाध्यक्ष श्री अजय कुमार आनंद जी को बनाया गया है, एवं प्रकार से समाज के सभी लोग हैं, अरुण कुमार शर्मा जी, लगभग 11 आदमी का कमेटी बनाया गया है, इस कमेटी को हम सभी लोग समाज के माध्यम से चलाएंगे और राधा कृष्ण मंदिर को विकास की ओर ले जाएंगे। रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 88वें दिन कार्यक्रम को दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया। कार्यक्रम के पश्चात सांसद श्री ठाकुर ने कहा कि हर महीने आखिरी रविवार को देश के प्रधान सेवक देश की जनता जनार्दन के साथ अपने विचार साझा करते हैं।
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री संग्रहालय देश के लिए गर्व का विषय है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। पहले इसका नाम नेहरू म्यूजियम था, जो अब प्रधानमंत्री संग्रहालय में तब्दील हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश को प्रधानमंत्री संग्रहालय मिल गया है, यह देश के आम नागरिकों के लिए खुल गया है। यह गर्व की बात है कि हम अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान को याद कर रहे हैं। विश्व पृथ्वी दिवस सप्ताह के अवसर पर उत्तरी बिहार उद्यान समिति द्वारा माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल लहरियासराय में एक वृक्षारोपण संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के 125 से अधिक छात्रों ने विद्यालय प्रबंधन के साथ भाग लिया। समिति के सदस्यों के द्वारा छात्रों के बीच यह इस भावना का संचार किया गया कि धरती को बचाना है तो पौधे लगाना होगा। प्रदर्शन के द्वारा छात्रों के बीच गमलों की मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, गमले कैसे तैयार किए जाते हैं, पौधे कैसे लगाए जाते हैं, इन पौधों का क्या महत्व है, पौधों में पानी देने के क्या नियम है, कितने दिनों में पौधों का विकास हो सकता है, इस संबंध में एक विस्तृत जानकारी छात्रों को दी गई। बच्चों के द्वारा पूछे गए विभिन्न पौधारोपण से संबंधित प्रश्नों और जिज्ञासा का समुचित समाधान भी किया गया। मुख्य अतिथि दरभंगा के ASP विक्रम थे, जिन्होंने अपने संबोधन में छात्रों को प्रेरित किया अपने आसपास में पौधे लगाए जा सकते हैं, जिससे पर्यावरण तो सुरक्षित हो रहेगा ही, ऑक्सीजन उत्सर्जन भी होगा और छात्रों के बीच में कुछ रचनात्मक कार्य करने की भावना का विकास होगा।